कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार उनको दस्त लगते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको दस्त के लिए जाना पड़ता है और पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, मरोड़ होती रहती है, पेट में हमेशा ऐठन बनी रहती है, पेट के दर्द को लेके हमेशा परेशान रहते हैं और दस्त को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। बहुत सारी टैबलेट्स खा चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन आपका दस्त ठीक नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं और आपका खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, खाना आपका तुरंत पच जाता है, जिसके कारण आप खाना खाने में भी डरने लगते हैं। खाते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो फिर से मेरे पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगी, मुझे फिर से दस्त के लिए जाना पड़ेगा। 4 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और आपको दस्त कंटिन्यू बना हुआ है, दस्त कई सालों से लग रहे हैं, तो एक क्रॉनिक बीमारी होती है डायरिया। भी आप मोशन करते हैं तो उसमें खून भी आता है और आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, दर्द के साथ आपको बहुत ज्यादा जलन भी होती है, साथ में पेट में ऐठन होती है, ऐठन के साथ दर्द होता है। और जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं आपको डिसेंट्री होती है तो उसमें ब्लड जरूर आता है। तो दस्त की प्रॉब्लम काफी सालों से है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बार बार दस्त होने के भी कुछ कारण होते हैं। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण से पेशेंट को बार बार दस्त लगता है और पेट में ऐठन होती है। और कुछ ऐसे ही पेशेंट रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब दस्त अचानक से होने लगता है, कारण होता है दस्त लगने का। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको सीलिए डिसीज हो जाती है जिसके कारण से उनको बार बार दस्त लगता है और कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उनको दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है। सीलिएक डिसीज की मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि सीलिएक डिसीज होती क्या है और कैसे पेशेंट को बार बार दस्त लगता है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको IBS इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो जाता है जिसके कारण उनका खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और उनको बार बार दस्त के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं दस्त लगने के, ये मैंने आपको कुछ कारण बताए। इस सिरप का नाम है ड्रैक्सिन सिरप, ये रेडियंट कंपनी का है। इस सिरप को लेना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस सिरप को आपको 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, 2-2 ढक्कन और कंटिन्यू यूज करना। कई सालों से पेट में दिक्कत हो रही है, मरोड़ हो रही है, दर्द होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो तुरंत आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। इसमें जो भी मेडिसिन मिली हुई है, सारी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस सिरप को तैयार किया गया है, तो बिल्कुल इसका साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। बच्चे को बार बार दस्त लग रहे हैं, दस्त में ब्लड आ रहा है, तो बच्चे को आप अगर 10 साल एज है तो 1-1 चम्मच दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम, अगर 10 साल के नीचे एज है तो आप आधा आधा चम्मच दे सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।